तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली बीत गई है, ये ब्लॉग लेट आ रहा है, इसलिए मेरी शुभकामनाएं। तो शुभकामनाएं उस दिन ही मैंने दे दिया था आप सबको अपने मन में ही, कि सबको दिवाली अच्छे से ना, आप सबकी दिवाली कंप्लीट हो जाए, सबका पूजा पाठ हो जाए। और इतने सालों से ना, मतलब पूरे साल इंतज़ार होता है कि दिवाली कब आएगी। तो हर कोई ना दिवाली की प्रिपरेशन के लिए एक महीने पहले से लगा होता है कि ये ख़रीदना है, वो ख़रीदना है। तो यहाँ पर ना, ये हमारे यूटिलिटी में, मतलब बालकनी में, हमने ना एक पहले जो हम उस घर में रहते थे जब रेंट पर, तो हमारे पास ये अलमीरा था, तो उससे ना हमने थोड़ा सा मेकओवर कर दिया। तो इसमें ना सिर्फ हमारा मेडिसिन, मतलब स्टोर हमने उसे बना कर रखा है। उसके बाद ना उस पर शीट लगा दिया, तो एकदम नया सा दिख रहा था। उसके बाद मैं आ गई थी कि मैं ना ज़रा नारियल के लड्डू बना लेती हूँ। तो कोकोनट लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मिक्सी में ना थोड़ा शुगर लिया था, और उसके बाद ना उस छोटे वाले मिक्सी में मैंने जूसर में यूज़ करना शुरू किया कि उससे पाउडर बन जाए, बट पता नहीं वो अच्छे से नहीं हुआ। फिर मैंने दूसरी मिक्सी, मतलब कि बड़ा वाला जार निकाला, उसमें किया। उसके बाद उस कोकोनट पाउडर में शुगर मिलाने के बाद, पाउडर मिलाने के बाद हल्के से दूध के साथ उसे अच्छे से, तो इसमें ना बस यही ध्यान रखना है कि दूध एकदम हल्के हल्के से देना है, क्योंकि बहुत जल्दी, क्योंकि शुगर पाउडर होता है ना, तो इस वजह से बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, तो गीला हो सकता है। तो वो ध्यान में रखते हुए आपको धीरे धीरे से एकदम चम्मच के हिसाब से ना आपको थोड़ा सा दूध देना है, और फिर उसे ना बाइंड करते जाना है, और फिर देखना है कि कितने अच्छे से वो बाइंड हो रहा है, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए, काफ़ी अच्छा सा रेडी हुआ था ये नारियल का लड्डू। तो अभी मैंने इसे बनाना शुरू कर दिया है। तो गाइस ना, मतलब मैं इस ब्लॉग का नाम दूंगी डे वन, इसलिए क्योंकि ना एक ब्लॉग में ना, मतलब वो पूरी दिवाली का ना मैं आपको दिखा नहीं सकती, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता। तो इसलिए ना वो मतलब पार्ट वन पार्ट टू भी आप कह सकते हो, तो मैं ऐसे ही डालूंगी दिवाली पार्ट वन और पार्ट टू। तो पार्ट टू वाले में आपको पूरे घर का और फिर दिवाली की पूजा, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। अभी ये कह सकते हैं कि दिवाली के एक दिन पहले से मैंने ये स्टार्ट किया था कि अब धनतेरस है, एक्चुअली धनतेरस के दिन का है, कि धनतेरस के दिन अब आज तो लाइट लग ही जानी चाहिए। अभी इतना मतलब हैक्टिक शेड्यूल चल रहा था ना, हस्बैंड को अभी ऑफिस है, बच्चों के स्कूल थे, इवन मेरा भी कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहा है, आपको पता ही है, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल रहा था। रात को जब टाइम मिलता था उस वक्त ना हम लोग सब काम किए जा रहे थे। तो यहाँ पर ये लड्डू आधे मेरे बन गए थे, वे और मुझे बनाने थे, तो मैं बना के रखते जा रही थी। उधर हस्बैंड लाइट लगा रहे थे, मिस्टी थोड़ी सी मदद कर रही थी पापा को, जो सामान चाहिए था वो भी। तो यहाँ पर ये लड्डू बन करके मेरे ना ऑलमोस्ट, मतलब आधे तो बन ही गए थे। उसके बाद हस्बैंड जो थे वो सारे लाइट चेक कर रहे थे कि कैसे सब में लाइन दिया जाए, और सब अच्छे से लग गया। तो ये बाहर वाली बालकनी जो घर के एंट्री के पास है यहाँ पर, और अभी दोनों बालकनी में रूम से जो अटैच है वहाँ पे भी अभी लाइट लगानी है। तो यहाँ देखिए, ये बालकनी में अब लगना शुरू हो गया था, यहाँ से ना बाहर का भी दिख रहा था। अब ये बालकनी में पूरी लगाने की तैयारी थी कि कैसे उसे लगाना है। तो और एक तो क्या हुआ कि इतनी मेहनत से हम लोगों ने लाइट लगाई, और मीशो से जो मैंने ना दिया वाला ना लाइट मंगाया था, वो आने के बाद हमने चेक किया था घर पर, जल रहा था, लेकिन लगाने के बाद जब हम लोगों ने उसे ऑन किया तो वो जल ही नहीं रहा। फिर हस्बैंड बॉन्ड उसे लेकर के शॉप पे गए कि शायद कहीं कुछ हो जाए, तो सच में उस शॉप वाले ने बना दिया। घर आकर के भी हम लोगों ने लगाया, तो मतलब वो चल रहा था, लेकिन फिर ना बाद में ना वो ख़त्म ही हो गया, पता नहीं क्या हुआ। और यहाँ पर मेरे लड्डू तैयार हो गए थे, ये देखिए। तो यहाँ पर ना ये हस्बैंड लगाने के बाद वो गए कि चलो हॉल में लगाते हैं। तो रात को ना हमारा मूड ख़राब हो गया, क्योंकि वो मीशो वाला जो दिया वाला था वो जल नहीं रहा था। फिर शॉप से भी जब हम लोग बनवा करके लेकर के आए तो उस वक्त जल रहा था, और जैसे ही शाम हुई दिवाली वाले दिन फिर से हम लोग ऑन कर रहे हैं
तो वो ऑन ही नहीं हो रहा, मतलब जल ही नहीं रहा था। यहाँ पर कुछ ना मतलब यही मेरा था कि कुछ कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने मंगवाई है वो सब अब जगह पे लगा दिया जाए। तो यहाँ पर ये मीशो से ही मैंने ना किचन के लिए 2-3 मंगाए थे, उसे मैं सही जगह पर लगा रही थी। तो ये सब ना मतलब रात के 11 बजे हम लोग कर रहे थे, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर कॉलेज था, टाइम नहीं था, तो क्या करें। फिर ये बाहर के तोरण भी मैंने कहा, क्योंकि ना नेक्स्ट डे भी बहुत ज़्यादा, दिवाली के दिन भी ना आप सुबह से काम करते रहो फिर भी लगता है इंसान भाग ही रहा है, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, दिवाली के दिन ऐसा ही है। तो यहाँ पर मैंने पुराने वाले तोरण हटा दिए थे और नए वाले लगा दिए। इस बार मैंने लंबा वाला ज़्यादा नहीं खरीदा, सोचा कि इस बार थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कैसा ये लग रहा, तो काफ़ी अच्छा सा लग रहा था। तो यहाँ पर ये मेरे तोरण लग गए थे, इस पर गणेश जी बने हुए थे और आम का पत्ता का डिज़ाइन था। तो ये तोरण हो गए, उसके बाद फिर मैं आ गई, मैंने जो आपको जो मीशो हॉल वाले वीडियोस में मैंने दिखाया था ना आपको, तो ये सारे मनी प्लांट का जो था इसमें ना 6 हाँ स्ट्राइप्स थे, उन सबको मैंने सोचा था कि कहाँ कहाँ इसे लगाना है। तो इसे मैंने ना पहले लैम्प पे डाला, तो इसे डालने के बाद जब हम लोगों ने लाइट ऑन किया तो काफ़ी अच्छा सा दिख रहा था, क्योंकि ग्रीन ग्रीन है ना। तो देखिए अभी तो मतलब अभी ऊपर वाला लाइट हम लोगों ने इसमें ऑन नहीं किया है, वो भी आपको दिखाएंगे डालने के बाद। उसके बाद वो बुद्धा जी के नीचे भी ना हमें ना वो ग्रीन वाला ग्रास मैट जो आता है वो भी हमें डालना था, तो यहाँ पर वो भी मैंने डाल दिया था। और ये देखिए यहाँ पे, तो ये बुद्धा जी की मूर्ति जो ना थोड़ी हेवी है, तो हस्बैंड आ गए थे उसे रखने के लिए, तुम लोग हटो कहीं गिर गया तो फिर टूट ही जाएगा। तो यहाँ पर ये लगने के बाद ना काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इधर ना ये जिया की बदमाशी चल रही थी, क्योंकि ना वो हम लोग नहीं सोए थे तो ये भी नहीं सोई थी रात तक, वो भी तो वो भी उस दिन अराउंड 12 o'clock सोई। तो जैसा होता है ना घर में अगर फेस्टिवल हो फंक्शन हो तो बच्चे भी आपके साथ लगे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि मम्मी पापा बिजी हैं, तो मैं भी चलो उसी हाथों ना हम लोग भी अपनी बदमाशी शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा था, देखिए जिया नहीं है, दीदी है, दीदी लड्डू है, नानी, अच्छा दीदी नानी, नानी पहचानती है। हाँ कल फिश वाला भी थोड़ा क्लीन कर दिया जाएगा फिर अच्छा हो जाए। हाँ अभी हाफ डेकोरेशन हुआ अभी। उसके बाद ना ये नेक्स्ट डे मैं कॉलेज चली गई थी। कॉलेज से आते वक्त ना मुझे ना ये बाहर अपने शू रैक के ऊपर, वहाँ भी मैंने वो ग्रीन ग्रास मैट डाला था ना, तो उसके ऊपर सोचा कि थोड़ा सा उसे डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये दो ना मैं लेकर के आई थी जहाँ से हम लोग वो फ्लावर बेस लेकर के आए थे, जिसमें येलो फ्लावर हमने लगाया था लास्ट वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, तो वहीं से ये दोनों मैं लेकर आई थी। तो इसे अनपैक कर रही थी कि अनपैक करने के बाद इसे थोड़ा सा वाइप अप कर देंगे अच्छे से, ताकि इस पर जो डस्ट वगैरह होगा वो भी हट जाएगा। उसके बाद फिर उसे बाहर हम सजाएंगे। इधर जिया भी स्कूल से आ गई थी, तो वो उसे देख करके पहली बार डर रही थी, उसे पता नहीं क्या लग रहा था। उसके बाद मैं इसे ले आई कि इधर रखते हैं, और बीच में अभी ना वो 5 दिए वाला ना वो भी उसे जलाएंगे। उसके बाद ना ये उर्वन से मैंने ना ये प्लांट कुछ ऑर्डर किए थे, ये इंडोर वाले, तो ये प्लांट आए थे जैसा कि मैं बाकी लोगों के वीडियोस वगैरह देखती थी, सच में 2 आउटडोर वाला भी है, सच में ना बहुत अच्छा सा प्लांट ये उर्वन मतलब डिलीवर करता है, और नेक्स्ट डे ही इतनी जल्दी डिलीवरी है इनकी, ये सबसे अच्छी बात है। तो ये देखिए यही वो जो लाइट है जो मीशो से हमने ऑर्डर किया, बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी ये जला नहीं, उर्वन दोबारा ना शॉप वाले को पैसे भी दिए फिर भी नहीं हुआ। और ये गाइस अब आ जाता है दिवाली के दिन का सुबह का, मैं नहा धो करके आ गई थी और उसके बाद मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। तो जैसा कि उस दिन कढ़ी बनती है, ओल सूरन की सब्जी आप लोग कौन क्या बोलते हो ये पता नहीं, उसके बाद ये मिक्स वेज, तो ये सब ना कुक बना कर गया था, मैं सिर्फ कढ़ी बनाई थी, इधर छोला भी बना करके गया था। तो उसके बाद ना ये मिस्टी सुबह उठी थी, जिया सो ही रही थी, तभी मैंने कहा कि तुम अपना पॉट पेंट कर लो, क्योंकि ये भी बोली रही थी कि डिजाइन को ट्राई हो जाएगा। उसके बाद फिर मिस्टी का घर औंदा जो है उस पर भी पेपर वगैरह डालना है ना, तो वो लगेगा। तो अभी ना मतलब टोटल मिलाकर कहा जाए यही कि बहुत सारे काम थे, तो ये ना जिया ना कुछ कुछ ऐसे ही बना दी। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, बच्चे हैं जो जैसा बनाया है वो चलेगा। तो ये 5 पॉट हम लोग हर साल लेकर के आते हैं, तो मिस्टी अपने हिसाब से ना उसे जो भी डिज़ाइन अच्छा लगता है बनाती रहती है, तो उसे काफ़ी इंटरेस्ट है और मतलब ना हमेशा परेशान रहती है, दिवाली आ गया मेरा पॉट ला दो। तो ये देखिए ये दोपहर में जब बनकर आया था तो ये जल रहा था, बट शाम को ना
ये बिल्कुल भी नहीं, सुबह भी नहीं जल रहा था, हस्बैंड लेकर के गए, उसे बनवा कर लेकर आए तो ये जल रहा था, जब शाम हुई एन दिवाली का टाइम आया तो ये जलना ही बंद हो गया फिर से। तो वही लगा कि अरे ये पहले तो हम लोगों ने खरीदने में पैसे लगाए, उसके बाद हमने जो बनवाए वो भी पैसे फालतू में चले गए। उसके बाद अब धीरे धीरे ना शाम हो रहा था, हम लोग लंच करके और रेडी हो गए थे कि बाकी जो जगह जगह पे ना जैसे सोफ़ा कवर चेंज करना है, डाइनिंग टेबल का कवर चेंज करना है, तो वो सब फटाफट करते हैं क्योंकि उसके बाद ना मुझे नहाना है, रेडी होना है और फिर पूजा की तैयारी करनी है। तो दिवाली के दिन सच में कहते हैं ना सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती, काम करते जाओ फिर भी ना काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। तो यहाँ पर ये वाला जो था ना वो मैंने अजीवो से मंगाया था और इसके ऊपर ना वो थिक लेयर का 1 mm का मैंने वो प्लास्टिक शीट जैसा मंगाया है जो एकदम यहाँ पे ना वो ग्लू से चिपक जाता है, तो वो जस्ट लाइक ना देखने में ना ग्लास का फिनिशिंग देता है और ग्लास कोटिंग जैसा ही लगता है। तो एक्चुअली हम लोग डाइनिंग टेबल पर ग्लास लगाने वाले हैं, बट इस बार मैंने सोचा कि इसे ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि ग्लास भी ना अगर आप उठाना चाहो, अगर आप उस पर ना कवर देने चाहते हो टेबल कवर पे, तो फिर उसे निकालना उठाना मुश्किल है और वो अगर आप चेंज करना चाहते हो ना तो वो फूट भी जाता है। तो इसीलिए ये वाला मैंने अमेजन से मंगा के देखा। तो अभी हम लोग इसे अनपैक कर रहे थे, उसके बाद ना इस पर लगा करके, तो लास्ट में खैर हमने जब लगाया तो वो आपको दिखाएंगे, बहुत अच्छे से बैठ गया था और एकदम थिक लेयर है तो काफ़ी अच्छे से चिपक गया था और ना मतलब क्लीन करना भी काफ़ी आसान है। तो ये उसके साथ ना वो ग्लू ड्रॉप्स जो बोलते ना वो वाला दिया था, तो यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया था और अभी एकदम चिपक गया था। और अभी हमें काम बाकी है घरौंदा का, तो मिस्टी का घरौंदा भी अभी मुझे हमें रेडी करना है, उस पर पेपर कवर लगाने हैं दूसरे कलर के। यहाँ पे घरौंदा लकड़ी वाला मिलता नहीं है हमारे यहाँ, तो मतलब दिवाली आने से पहले ही बिकना शुरू हो जाता है। तो इस बार हम लोग सोचे हैं कि जब भी कोई भी घर जाएगा, गाड़ी से आए चाहे ट्रेन से आए, तो वो ना घरौंदा मतलब उसी से मंगवाएंगे, या हम लोग भी अगर कभी आए तो लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर देखिए फाइनल टच तो काफ़ी अच्छा दिख रहा था, और यहाँ पे ना वो किचन के सामने से ना और वहाँ पे जो मेटल वाला लगा है उसके कलर से मैच हो गया था। और अभी मैं ये सोफ़ा का चेंज कर रही थी, सोफ़ा का कवर, उसके बाद अभी मुझे कुशन भी लगा कर चेंज करके रखने थे। तो यहाँ पर मैं ये कुशन का कवर लगाते हुए, तो भाग भाग कर हम लोग काम कर रहे थे और घड़ी की तरफ नज़र थी कि भाई टाइम कितना होगा। अभी आप देख रहे हैं चारों तरफ ना पूजा का सामान बिक रहा है, अभी हॉल भी मुझे अभी संगीता आएगी, वो झाड़ू पोछा सब क्लीन मतलब कर लेगी, उसके बाद फिर पूजा की तैयारी होगी। तो यहाँ पर ये सोफ़ा भी रेडी था, तो ये ना अमेजन से मैंने दोनों लिया, काफ़ी अच्छा सा आया है। उसके बाद हम दोनों लग गए थे ये मिस्त्री का घर होता उस पर नया पेपर डालने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, हर साल हम लोग सोचते हैं इसे पहले करके रखेंगे, बट एन वक्त पे ना दिवाली के दिन बचा ही रह जाता है। वही मैं बोली दिवाली के दिन काम ख़त्म ही नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये रेडी हो गया था, तो अभी यहाँ पर भी हमें डेकोरेशन करना है, क्योंकि इसी टेबल पर हमने सोचा है कि मिस्टी का घरौंदा हम लोग भरेंगे। तो वो जो फ्लावर पॉट है ना उसमें मतलब फ्लावर पॉट मैं बोल रही हूँ, वो जो छोटे छोटे जो मिस्टी पेंट कर रही थी उसमें क्या क्या डालेंगे वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो मतलब ये क्यों भरा जाता है, ऐसा है कि आपके घर में अगर लड़की है तो आप उसे ज़रूर भरेंगे, क्योंकि मतलब मान्यता है कि और लड़की का घर हमेशा एक घर लड़की लक्ष्मी होती है तो उसका घर हमेशा भरा होना चाहिए, तो इसीलिए सुख शांति समृद्धि की कामना की जाती है वो भर करके। तो यहाँ पर ये डेकोरेशन का मैंने मंगाया था कि थोड़ा सा बैकड्रॉप हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, तो यही हम लोग अब फाइनल कर रहे थे। उसके बाद मैं नहाने जाने वाली थी और फिर आगे का पूजा का कार्यक्रम, तो वो आपको गाइस नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने लगा दिया था और उसके बाद ये साथ में ही इन लोगों ने ये स्ट्राइप्स वगैरह दिए थे इस पर लगाने के लिए। तो ये ना मेटल वाला अच्छा होता है, मतलब बिना किसी ना टेप वगैरह के अच्छे से हो जाता है, उसमें फंसा देते हैं। तो अभी ना अब सब कैंडल भी जगह जगह पे रख रहे हैं, जो जहाँ जहाँ पे लगाएंगे, जो पानी वाले आजकल आ रहे हैं ना, क्योंकि बेंगलोर में इतनी हवा चलती है ना शाम को कि दिवाली के दिन कभी भी दिया जल नहीं पाता है, तो ठीक वैसा ही हाल था। तो यहाँ पर गाइस ये फाइनल टच, ये अभी दिया वाला ना लाइट लगाया जा रहा था मिस्टी के घरौंदे पे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेक्स्ट व्लॉग में फिर जल्दी ही मिलेंगे दिवाली के पूजा का, और फिर उस दिन का फाइनल वीडियो आपको देखने को मिलेगा कि हमारा घर फाइनली कैसा लग रहा था। चलिए तब तक फिर मिलेंगे, बाय बाय।